नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रशांत सर। आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इसमें आज अपन कुछ क्वेश्चनों को जानेंगे और करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, क्यू नॉट इक्वल 0। मतलब यहाँ पर अपन के लिए कुछ संख्या नहीं है, ठीक है। उनके लिए अपन को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब उसका बार हटाना है। क्या हटाना है? बार। जैसे यहाँ पर फर्स्ट संख्या दी है 0.6 के ऊपर क्या है बार, 0.6 के ऊपर क्या है बार। तो इस बार को हटाना है और अपन को P बटे Q के रूप में क्या करना है, इसको लिए व्यक्त करना है, ठीक है। तो P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन देखेंगे, इसके लिए दो मेथड हैं। कितनी मेथड हैं? दो। आज अपन एक मेथड को जानेंगे और दूसरी मेथड को ही हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अपन जानेंगे 0.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.6 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। क्या लगा है? बार। इस बार को हटाना है और इसके लिए P बटे Q के रूप में अपन को क्या करना है? व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मान लेंगे, माना 0.6 के ऊपर या तो बार लगा दूं। बार का मतलब है अनेक बार संख्या आना। कैसे? कितने बार संख्या आना? अनेक बार। या तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं 0.6666। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना x बराबर 0.6666 अनेक बार। x बराबर अपन ने क्या मान लिया? 0.6666। अब यहाँ पर देखो, अपन के लिए दिया है 0.6। क्या दिया है? 0.6 के ऊपर क्या लगा है? इसमें बार लगा है। क्या लगा है? बार। अब एक संख्या पर बार लगा या दो संख्या का बार लगा या तीन संख्या पे, अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक अंक पर बार लगा है। कितने अंक पर बार लगा है? एक। तो अब क्या करेंगे, जो अपन ने x बराबर 0.66 माना, इसके लिए समीकरण नंबर 1 नाम ले लेंगे, ठीक है। और यदि एक अंक पर बार लगा है तो एक शून्य वाली संख्या 10 से समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा। यदि दो अंक पर बार होता, जैसे ये लेके 0.74, इन दोनों पर बार होता तो दो जीरो वाली संख्या मतलब 100 से गुणा करते दोनों पक्षों में। और तीन अंक पर बार होता यदि 4, 5, 6, ठीक है, इस पर तीनों पर बार होता तो अपन तीन शून्य वाली संख्या अर्थात 1000 से गुणा करते, ठीक है। इसमें अपन ने देखा केवल और केवल एक अंक पर बार है, इसलिए एक शून्य वाली संख्या 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 गुणित एक्स बराबर 0.6 के ऊपर बार गुणित 10, या फिर इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? 10 गुणित 0.6666 अनेक बार, ठीक है। 10 का गुणा x में किया, 10x बराबर 10 का गुणा 0.66 में करेंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा होगा तो जो दशमलव है एक अंक कहाँ आ जाएगा? आगे, मतलब 6.6666 आ जाएगा या नहीं आएगा, समझ लो। जैसे 6.66 है, दो अंक बाद है, अभी यदि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक और इस साइड खिसक जाएगा और दशमलव यहाँ आ जाएगा। कैसे? देख लो, 0 गुणा 6 में किया, 0 0 0 गुणा 6 6 6, जोड़ो 0 6 6 6, 1 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 और 1 2। यहाँ पर देखो अभी कितने 6.66 थे, अब 66.60 हो गए ना, मतलब एक अंक दशमलव खिसक जा, ठीक है। यदि 0 1 1 0 से गुणा कर दो तो यहाँ पर भी अभी 0.66 था, अब कितने हो गए? 6.66। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके लिए क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 6 धन 0.66। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि 6 जोड़ेंगे 0.66 में तो अपना आंसर इतना ही आएगा, 6.66 आएगा या नहीं, क्योंकि 6 में 0 जोड़े कितने हो जाएंगे? 6.66 के 6 6 आ जाएंगे। तो इसके लिए अपन इतना लिख सकते हैं, ठीक है।
अब 10x के 10x बराबर 6 के 6 प्लस जहां पर 0.66 लिखा है, देखो 0 क्या लिखा है 6 6, वहां पर क्या लिख सकते हैं अपन x, कहां से समीकरण नंबर एक से, ठीक है, क्योंकि अपन ने समीकरण एक में माना था x बराबर 0.66, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं x, कहां से लिखा अपन ने समीकरण एक से लिखा, कहां से लिखा समीकरण एक से, ठीक है। तो 10x के 10x यहाँ पर इस x का पक्षांतर कर लो तो 10x के 10x धन का है तो काय का हो जाएगा ऋण का बराबर 6 के 6, तो 10x में से 1x घटा कितने x बचेंगे 9x बराबर 6 के 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x के 9 गुणा में है तो 9 कहाँ पहुँच जाएगा x बराबर 6/9, x बराबर यहाँ पर 6 और 9 कट जाएंगे 3 से, 3 दुनी 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 2/3, एक्स का मान कितना आ जाएगा 2/3, अर्थात 0.6 के ऊपर 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 2/3, तो अपन ने 0.6 को 2/3 के रूप में क्या कर दिया व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो उसके लिए अपन व्यक्त कर सकते हैं, उतार लो सभी को उतारना है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है 0.47 और 0.001, यहाँ पर देखना ध्यान से 7 के ऊपर बस बार है तो इसमें भी क्या करना 10 से ही गुणा करना, और यहाँ पर कितने अंकों पर बार है 0.001 तीन अंक पर, तो इसमें 3 शून्य वाली संख्या 1000 से गुणा करना। अब एक और शॉर्ट मेथड देख लो जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, वो क्या है तो जैसे 0.6 के ऊपर बार है तो यदि एक अंक पर बार है, कितने अंक पर बार है एक अंक पर बार है, तो सिंपल है वो अपन ने संख्या उतारी जैसे 6 है तो 6, और यदि एक अंक पर बार है तो उसके नीचे 1 9 लिखेंगे, कितने 9 लिखेंगे 1 9, ठीक है, तो अपन ने 1 9 लिख दिए। अब इसके लिए काट दो 2 3 6 और 3 2 6 और 3 3 9, 3 2 6 3 से काट दिए, 3 2 6 और 3 3 का यहाँ पर कितना होगा 2/3, तो यहाँ पर 2/3 आओ और यहाँ पर भी कितना होगा 2/3, तो ये अपनी शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो जितने अंक पर बार है उतने 9 नीचे अपन ने लिख दिए, तो ये अपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें, इससे इसका फ़ायदा सभी उठा